और आप देख रहे थे सीएम पुष्कर सिंह धामी को, जो कि देहरादून राजभवन में शिक्षक दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और इसी बीच आपको सीधे लिए चलेंगे अयोध्या, जहां पर आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। लेकिन भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक एकता को कहीं भी खंडित नहीं होने दी, और यह इसलिए क्योंकि भारत की ऋषि परंपरा ने, भारत के संतों की परंपरा ने आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जागरण के माध्यम से इसे पूरी मजबूती प्रदान की है। आज उसी मजबूती को प्रदान करने के लिए तमिलनाडु से यहां पर अय्याजी अयोध्या धाम में आए हैं। अयोध्या धाम में उनका आगमन से रामनाथ स्वामी जी के इस भव्य मंदिर के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना, मेरा यह मानना है कि अब मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनने में, पूरा मंदिर बनने में बहुत देर नहीं लगने वाली है। यह काम तीव्र गति से चल रहा है। मंदिर ट्रस्ट इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को अपने कर कमलों से संपन्न किया है। समाज का पूरा नेतृत्व वर्ग उस अवसर पर अयोध्या धाम में था, और अब तक 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालु जनों ने 5 सदी के बाद अयोध्या में फिर से विराजमान हुए रामलला को अब तक दर्शन करके उनका आशीर्वाद भी प्राप्त किया है। मेरा यह मानना है कि अब अयोध्या धाम पूरी एक नई गति के साथ दुनिया की सबसे आध्यात्मिक और सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित होकर के पूरे सनातन धर्मावलंबियों के लिए एक नई प्रेरणा और प्रकाश का केंद्र बिंदु बनकर के उभरेगा। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं सरदेव भैया जी का, सरदेव अय्या जी का, पूज्य संतों का और तमिलनाडु से आए हुए आप सभी उपस्थित श्रद्धालुजनों का, महानुभावों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि श्री रामनाथ स्वामी मंदिर का यहां पर कुंभाभिषेक और प्राण प्रतिष्ठा का यह समारोह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस संकल्पना को और मजबूती देगा। आप सबके इस आयोजन के प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। Please have a standing ovation. Standing ovation.